हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी प्यारी बगिया। आज मैं कराती हूँ आपको अपने बालकनी गार्डन का मॉर्निंग टूर। ये देखिए, सबसे पहले ये है एक ड्रेसिना का प्लांट। इसमें काफ़ी वेरिएशन है, ये पर्पल और ग्रीन कलर लिए हुए हैं। और ये देखिए, नीचे से इसमें इसकी पब निकल के आ गई है। बहुत जल्द मैं इसको अलग कर लूँगी। ये मैंने कटिंग से तैयार किया था, इसका मदर प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये दूसरा है एरोकेरिया। इसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेज़ किया है और इसका मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लांट है जो 8 साल पुराना है। और अब ये डायफेनबेकिया, ये भी मैंने स्टेम प्रोपोगेशन से ही तैयार किया है। ये देखिए, इसकी लीव्स का साइज़ देखिए, और ये मैंने एक बहुत छोटे पॉट में लगाया है और ये कितनी हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। इसके लीव्स का वेरिएशन बहुत ही सुंदर होता है, और एक बार डायफेनबेकिया आपके गार्डन में आ गया तो फिर ये कभी कहीं नहीं जाता। और ये देखिए, ये है एग्लोनीमा की एक वेराइटी। मुझे इसका नेम कन्फर्म नहीं है, बट जहाँ तक मेरी रिसर्च है, इसका नाम है एग्लोनीमा आइसक्रीम। और ये देखिए, इसमें से भी नीचे पब निकल के आ गई है। इसको भी मैं अलग करके दूसरा प्लांट बनाऊंगी। स्टेम प्रोपोगेशन से ये बहुत अच्छा चल जाता है, और मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स स्टेम से तैयार की हैं। और ये देखिए, डेवल्स पिक बोन, ये कितना हेल्दी है। ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये मानसून का सीज़न बहुत ही अच्छा सीज़न है। डेवल्स पिक बोन की कटिंग बहुत ईजिली चल जाती है और इसका सक्सेस रेट 100% ही है। इसको किसी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती और ये मॉनसून में बहुत ईजिली ग्रो कर जाएंगे। ये देखिए, ये एक और एग्लोनीमा की वैरायटी, इसका नाम है एग्लोनीमा स्नो वाइट। इसके भी मैंने पप्स से दूसरे प्लांट तैयार किए हैं। इसमें नीचे से पप्स निकलती रहती हैं, और ये देखिए इसमें कितनी सारी निकली हुई हैं। ये मैंने बहुत छोटे पॉट में लगाया है, फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और मैं इससे ढेरों पौधे तैयार करूंगी। और ये देखिए, ये है डम्पकिन। ये डायफेनबेकिया की ही एक वैरायटी है, पर ये बहुत छोटी होती है और इसमें नीचे से पप्स निकलते रहते हैं। देखिए कितने छोटे से पॉट में, ये मैंने सिर्फ नर्सरी पॉट में ही लगाए हुए हैं। देखिए, मैंने इससे काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार भी किए हैं, और अब मैं इससे और प्लांट्स तैयार करूँगी। ये देखिए कितना सुंदर है, इसमें वेरिएशन है। ये ग्रीन के अंदर येलोइश वाइट वेरिएशन है। और ये देखिए, ये वही स्नो वाइट की पप्स हैं जो मैंने निकाल के अलग किए हैं, और ये इनमें रूट बन चुकी है। और अब नेक्स्ट है ये स्पाइडर प्लांट। ये देखिए कितना हेल्दी हो रहा है, ये इसके लीव्स कितनी शाइनी है। इसको मैंने कटिंग से ही लगाया था, इसके स्टेम लगाई थी, और इससे मैं बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट है अभी मेरा क्रोटोन। ये रेड आई स्टोन क्रोटोन है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। क्रोटोन को ना ज़्यादा सनलाइट चाहिए और ना ही बिल्कुल शेड। ये फुल्ली इंडोर प्लांट नहीं है। आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको मॉर्निंग की 1 या 2 घंटे की सेमी सनलाइट मिल जाती हो, तभी इसमें वेरिएशन निकल के आते हैं। और ये देखिए, ये है, ये एक लिली है, इस पर विंटर में फ्लावरिंग होती है। और ये है वो ड्रेसिना का प्लांट, ये मदर प्लांट है। इसी से मैंने वो कटिंग तैयार की थी, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने वो कटिंग ली थी, और यहाँ से अब इसमें 2 ब्रांचेस निकल चुकी हैं। कि कितना हेल्दी हो रहा है ये। और ये सभी प्लांट्स में बहुत ही छोटे पॉट्स में लगाती हूँ। और ये देखिए लकी बैम्बू, इसको जब मैंने ख़रीदा था इसमें एक ही स्टेम थी, और इसमें से एक और स्टेम नीचे से निकल के आ चुकी है। मैं इसको अलग करके इसका दूसरा प्लांट तैयार कर सकती हूँ। लकी बैम्बू स्टेम से बहुत अच्छे प्रोपोगेट हो जाता है, सॉइल में भी और पानी में भी। और नेक्स्ट है अब ये थ्यूजा, जिसको हम मोरपंखी के नाम से जानते हैं। इसमें 2 टाइप होता है, एक जो बिल्कुल भरा भरा होता है जैसे ये है, और एक दूसरा मोरपंखी होता है वो इतना भरा भरा नहीं होता। मेरे पास वो दूसरा प्लांट भी है, और ये एक और वही लिली है। देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं।
और ये देखिए ये एक मेरा ऑरेंज रोज़ है, ये 2-3 महीने से ऐसे ही ग्रो बैग में है, मैंने इसकी रिपोर्टिंग अभी तक नहीं की है। और ये देखिए ये मेरा एक टाइगर रोज़ है, इस पर फूल खिलते ही रहते हैं गर्मियों में भी, इसमें कितनी अच्छी शूट्स निकली हुई हैं, लगातार गर्मियों में भी मेरे गुलाब मुझे फूल दे रहे हैं। ये देखिए बारिश हो रही है कॉन्टीन्यूसली, इसीलिए ये हल्के गीले हैं। ये देखिए ये है येलो रोज़, इस पर बहुत सारी बर्ड्स बनी हुई हैं और आप खुद देख पा रहे होंगे कि इसमें कितनी शूट्स निकली हुई हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रोज़ में ऐसे ही शूट्स निकले तो आप इनकी पिंचिंग और प्रूनिंग टाइम टाइम पे करते रहिए। ये देखिए ये मेरा एक वाइट रोज़ है, ये भी कलियों से भरा हुआ है, इसमें भी बहुत बर्ड्स हैं और गर्मियों भर लगातार मेरे गुलाब मुझे फूल देते ही रहते हैं। इसका रीज़न यही है कि मैं टाइम टाइम पे इनकी पिंचिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ और फर्टिलाइज़र में गर्मियों में मैं इनमें सिर्फ केले के छिलके की लिक्विड खाद और अनियन पील की लिक्विड खाद ही देती हूँ। ये देखिए ये मेरा एक रेड रोज़, ये देसी रोज़ है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, देखिए इस पर एक फूल भी खिला है आज, कितना प्यारा ये लग रहा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है, हल्की बारिश भी है और ये पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। इस बारिश में कोई भी प्लांट हो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये मेरा एक ऑरेंज इंग्लिश रोज़ है, देखा आपने इस पर अभी भी कलियाँ आई हुई हैं और ये देखिए कितना हेल्दी है। ये देखिए सभी मेरे रोज़ प्लांट हैं और आप भी गर्मियों में इनसे बहुत अच्छे फूल पा सकते हैं। और ये देखिए ये है मेरा गार्डेनिया जिसको गंधराज भी कहते हैं, इसमें कितनी प्यारी ये लीव्स निकल के आई हैं, मैंने इसकी पूरी पिंचिंग कर दी थी जब इसके फ्लावर्स ख़त्म हो गए थे, अब इसमें ये देखिए दूसरे ब्रांचेस निकल के आई हैं और धीरे धीरे इन पे बर्ड्स बनने लगेंगी। और ये देखिए ये मेरा एक और प्लांट है, इसको मैंने पब से तैयार किया था, ये मदर प्लांट नहीं है और इसमें नीचे से अब और लीव्स निकलने लगी हैं। और ये देखिए ये है एक मेरी येलो एग्जोरा, इस पर थोड़ी सी बीमारी लग गई थी, पेस्ट अटैक हुआ था और मैंने इसकी पूरी की कटिंग कर दी थी और अब देखिए इसमें नी पूरी की पूरी कितनी हेल्दी हो गई है, ये ब्रांचेस से भर गया है, थोड़े वक्त में ही इसमें बर्ड्स निकल आएंगी। और ये है वंडरिंग जीव, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे। और अब ये देखिए क्रोटॉन, ये मेरी क्रोटॉन की वैराइटीज़ है, देखिए हवा में ये कितने प्यारे लहरा रहे हैं, कितने सुंदर ये क्रोटॉन लग रहे हैं, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और हल्की बारिश भी है। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम, ये देखिए कितने घने बादल हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे मॉनसून स्टार्ट हो चुका है और अब लगातार बारिशें बनी हुई हैं। धन्यवाद।